भाई इसका जो फेस है ये देखो, ये ऑटोमेटिक ना चलता है, ऐसा लगता है कि ये हमारी ना फिंगर खा लेगा। आ और जब गेट खुलता है ना तो बहुत ही ज्यादा असली लगते हैं, जो पीछे जो टायर लटका हुआ है ना बिल्कुल वो असली, और इंजन से लेके पूरी गाड़ी ये टायर। अरे यार ये मेरे हाथ में, आपके हाथ में भी इसी तरीके से जो है ना बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखने वाली है। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार जो आप लोगों को दोबारा से बहुत बहुत वेलकम है आज के इस लेटर काफी ज्यादा ताबड़तोड़ अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ हल्क टॉयज में, जिसमें होने वाली है एक आरसी डिफेंडर कार से लेके एक हल्क के 3D वाले मास्टर, साथ ही में आरसी टैंक से लेके काफी ज्यादा अल्टीमेट वाले आज हल्क का कलेक्शन होने वाला है, जिसमें की कुछ एक्शन फिगर भी होने वाली है। और आज एंड में नहीं बल्कि बीच में दे दिया जाएगा 15 लोगों को शॉट, जिनमें से किसी एक को नहीं, दो को नहीं बल्कि 3 लोगों को मिलने वाली है गेयर ट्रांसपेरेंट कार, यानी कि एक ऐसी आरसी फरारी कार जो की पूरी जो उसकी बॉडी है वो एक कांच की होती है। साथ ही में ये जो है एक इलेक्ट्रिक गियर कार है, जिसके अंदर आप 5D लाइट से लेके म्यूजिक तक के जो है एंजॉयमेंट ले सकते हो, और इसके अंदर जो है सिर्फ कुछ ही बैटरीज लगती हैं। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बाजू में दिखे बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो भाई देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये ले लिया भाई हमने अपने हाथ में एक हमारी मेटल की डाईकास्ट कार, जो काफी ज्यादा साइन है, जिसके ऊपर लैडर की डिटेलिंग से लेके आपको पीछे की स्टपनी देखने के लिए मिलती है। साथ ही में इसके अंदर 4 टायर है जो काफी ज्यादा बढ़िया है, और ये एक अलॉय व्हील है। और अगर आपकी गाड़ी कभी खराब हो जाए तो ये देखो इसके अंदर भाई बोनेट भी उठ जाता है, यानी कितनी ज्यादा तगड़ी वाली चीज है। इसके फंक्शन काफी तगड़े होने वाले हैं, जैसे कि इसका जो गेट भी खुलता है, यहाँ पर लैडर देखने के लिए मिलती है चढ़ने के लिए, यहाँ पर एक पैनोरमिक सनरूफ देखने के लिए मिलती है। साथ ही में अगर आपके यार दोस्त ज्यादा है तो भाई इस तरीके से ना गेट को खोल के आप यहाँ पर उन्हें बिठा भी सकते हो, और साथ ही में ना ये वाला भी गेट भाई खुल जाता है। और डिटेलिंग देख रहे हो, मतलब इन्होंने फ्यूल टैंक भी बहुत ज्यादा डिटेलिंग में बना रखा है, और यहाँ पर अगर आप चेक का एक पैटर्न देख रहे तो असली वाली डिफेंडर में भी इसी तरीके से पैटर्न बना होता है, और टेल लाइट से लेकर हेडलाइट तक सब कुछ प्रॉपर काफी ज्यादा असली वाला बना रखा है। और यहाँ पर इसके अंदर 3 कैप्सूल वाले सेल लगते हैं, जो छोटे वाली बैटरी होते हैं जो हमारी वॉच में लगती है, तो इसका तो एक लाइफ टाइम बनता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक पुशबैक गाड़ी है जो ऊपर भी चढ़ जाती है और इस तरीके से ढलान से भी उतर जाती है। तो आ जाओ एक लाइफ टाइम पे, ये आ चुकी हमारी डिफेंडर, और ये इतनी असली लग रही है, मतलब क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है कि कोई असली वाली गाड़ी खड़ी हुई है। और जब गेट खुलता है ना तो बहुत ही ज्यादा असली लगती है, जो पीछे जो टायर लटका हुआ है ना बिल्कुल वो असली, और इंजन से लेके पूरी गाड़ी ये 10/10 है भाई। इसकी स्पीड ओए होए भाई, अगर पार्क है ना या फिर खाली जगह है तो भाई ये गोली की तरह जाती है, और गोली की तरह आती है, सही में काफी ज्यादा तगड़ी है ये, पता है काफी ज्यादा अमेजिंग चीज है। मतलब इसका लुक वाओ, इसकी लैडर वाओ, इसके टायर की स्पीड वाओ, जो ये चलती है तो एकदम जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ लगती है। और ये इस तरीके से रखने पे भी ना पता भी नहीं चलता कि कोई छोटी गाड़ी, ऐसा लगता है कि प्रॉपर एक बड़ी वाली डिफेंडर है ये, क्योंकि इसका जो बड़ा स्केल है यानी कि 1:18 वाली ये गाड़ी है। इसका मतलब ये कि जो बड़ी वाली गाड़ी होती है उसकी 18 गुना छोटा होता है ये मॉडल, तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी ज्यादा ऑसम है। और इसके अंदर 1, 2, 3 और आपको पीछे वाला भी खोलने के लिए मिलता है, यानी इसके जो है ना चारों के चारों दरवाजे बड़े से खुल जाते हैं, और इसकी जो स्पीड है वो भी आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है। अगर आपको भी इस तरीके से मेटल की डाईकास्ट वाली गाड़ी अच्छी लगती है जो प्रॉपर फंक्शनेबल होती है, तो आपको अपना नाम लिखना, उसके आगे वॉल लिखना, उसके आगे आपको लिखना है मेटल वाली डाईकास्ट डिफेंडर, ताकि ये वाली डिफेंडर जो है आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे, उसकी जगह पे रखते ये आ गई हमारे हाथ में एक और हल्क की गाड़ी, जो की है भाई एक फोर्ड की मस्टैंग, और ये आप देख सकते हो कितनी ज्यादा कूल है ये, और ये एक स्पीड अप वाली गाड़ी है, यानी कि इसकी हेडलाइट से लेकर इसकी टेल लाइट तक काफी ज्यादा तगड़ी होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर भी आपकी छोटी वाली बैटरी लगती है, तो वो बैटरी आप इकट्ठी सारी खरीद लेना, उसके बाद इसको एंजॉय करना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्पीड लिखा है, ऊपर अलॉय लिखा है, क्योंकि ये एक अलॉय मॉडल है, यानी कि ये एक मेटल की डाईकास्ट वाली गाड़ी है, जिसके पीछे आपको ट्रिप्लेक्स देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये विंड डीजल की गाड़ी है ना। और इसको भी पुल बैक करके जैसे छोड़ते हो तो ये गोली की तरह जाती है और रुकने वाली भी नहीं है। तो आ जाओ इसके भी एक लाइव डेमो पे, ब्रांड न्यू फोर्ड की मस्टैंग आ चुकी है, जो कि हैवीली ग्रीन कलर के अंदर स्पीड अप वालों की तरफ से आती है। ये नीचे रखने पे इतनी ज्यादा असली लग रही है, ऐसा लग रहा है कितनी बड़ी वाली सेडान है, लेकिन ये एक स्पोर्ट्स कार है जिसके अंदर सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, और अगर इसके डोर खुल जाते ना तो ये प्रॉपर मेटल की और डाईकास्ट गाड़ी बन सकती थी। और उसके बावजूद इसके टायर देखो इतने असली लगते हैं यार, और अगर आपके पास पार्क है या खाली जगह बहुत बड़ी तो ये इतनी गुड लगेगी ना किसी कहने के अधनी। अगर इसके भी गेट खुलते रहे तो भाई सही में बहुत ही ज्यादा ज़ूम ज़ूम पीप पीप करके ये आती, और भाई बहुत ही ज्यादा मजा भी आता। तो अगर आपको इस तरीके की भाई डाईकास्ट वाली मस्टैंग पसंद है तो आपको अपना नाम लिखना, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है मेटल वाली मस्टैंग, ताकि ये वाली मस्टैंग आपको गिव अवे हो सके। अगर इसके दरवाजे खुल जाते तो यार और भी ज्यादा मजा आ जाता। तो अब इसके बाद देखने वाले हैं, तो आप लोगों ने काफी अमेजिंग अमेजिंग डायनासोर देखे होंगे, लेकिन आज
आप एक ऐसा मैकेनिकल डायनासोर देखने वाले हो जो कि भाई अलग अलग पीस में हो जाता है और इसको ना आप ज्वाइंट करके एक रोबोट वाला डायनासोर बना सकते हो। इसीलिए तो इसका नाम गियर मैकेनिकल डायनासोर है और ये काफी ज्यादा ना एलईडी लाइट्स फेंकता है, साथ ही में इसकी गरारी आपको चलती हुई दिखती है और इसके अंदर जंगल वाला साउंड भी चलता है। तो सबसे पहले तो यार ये जो इसका स्पीकर का डिजाइन है ना ये काफी ज्यादा यूनिक लग रहा है यार, ये देखो कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने बना रखा भाई। और यहाँ पे ना इसका बैटरी का सिस्टम है, सबसे पहले यहाँ पर 3AA बैटरी लगेंगी और अब जो है भाई ये हमारा डेंजरस वाला डायनो तैयार होने वाला है, बस इसकी टेल और बाकी है। तो इसके बॉक्स में देखने के लिए मिलते हैं इसकी टेल, जिसके यहाँ पे ये देखो ये दो स्टिक लगी हुई है यानी दो डंडे है जो कि इसके अंदर जाते ये देखो इसका कुछ इस तरीके से लुक बना देती है और ये पूछ ना हिलती भी है, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और नीचे भी टायर देखने के लिए मिलने वाले, तो भाई आ जाओ इसके एक लाइव डेमो पे, आज एकदम असली वाला जुरासिक पार्क वाला डायनासोर देखने के लिए मिलने वाला और ये वाकई में काफी ज्यादा गजब का है। और इसको देखने के बाद एक ही चीज बोलूंगा के यार ये क्या बवाल चीज बनाई है, मतलब ये देखो यार इसको देखने के बाद दिल गार्डन गार्डन हो गया, एक एक इसकी गरारी घूम रही है, आंखों की लाइट देखो लाल हरी नीली पीली और भाई इसकी गरारी के अंदर भी लाइट जल रही है और काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है भाई, इसको देख के कतई मेरा दिमाग बावला हो गया भाई। ओ माय गॉड यार भाई इसका जो फेस है ये देखो ये ऑटोमेटिक ना चलता है, ऐसा लगता है कि ये हमारी ना फिंगर खा लेगा। भाई इसकी आईज अलग अलग तरीके की एलईडी लाइट चल रही है, देखो कभी येलो हो जाती है कभी ग्रीन कभी ब्लू कभी रेड और यहाँ पर भी ना अलग ही अलग तरीके की एलईडी लाइट चल रही है और इसकी गरारी भाई एक एक गरारी चल रही है और इसके पैरों की जो मूवमेंट है ये देखो कितनी ज्यादा असली है भाई साहब। और ये जो इसकी टेल है भाई ये भी है देखो ये अपने आप मूव होती है जो काफी ज्यादा प्यारी लगती है। ओ माय गॉड यार ये जो है ना भाई इसका ट्रांसपेरेंट कांच ये काफी ज्यादा मजबूत है, साथ ही में भाई इसके जो नीचे है ना ये देखोगे इसके पैर के पास तो यहाँ पे भी पता भाई टायर देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि दो टायर इधर है और दो टायर इधर है, इसीलिए तो जब इसके पैर धीरे धीरे करके इस तरीके से पंजे इसके चल रहे थे तो ये इस तरीके से आगे पीछे ऑटोमेटिक जाता और सही में भाई इसकी जो गरारी है ना वो काफी ज्यादा सुंदर है क्योंकि यहाँ पर ना आपको भाई ब्लू पर्पल रेड ग्रीन हर एक कलर में आपको गरारी देखने के लिए मिलती है और ये वाक्य में बहुत ही ज्यादा तगड़ा भी और भाई जंगल वाली आवाज आती है इसमें लिटरली जो बहुत ही ज्यादा प्यारा बनाए थे इसको। तो अगर आपको इस तरीके के डायनासोर अच्छे लगते हैं मैकेनिकल वाले तो आपको अपना नाम लिखना है, उसके आगे वॉल लिखना और उसके आगे आपको लिखना डांसिंग डायनासोर ताकि ये वाला डांसिंग डायनासोर आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो अब इसके बाद देखने वाले हैं एक भाई बहुत तगड़ी वॉर से आप लोगों को बचाने वाला एक टैंक जो काफी ज्यादा हैवी होने वाला और इसका जो रिमोट है ये एकदम वायरलेस है, यानी कि इसके एंटीना के जो सिग्नल बहुत तगड़े आने वाले हैं जिसकी वजह से इतनी दूर जाके भी आपके पास आएगा कि भाई आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, साथ ही में यहाँ एलईडी लाइट अलग देखने के लिए मिलने वाली है और अगर आपको साउंड बंद करना एलईडी लाइट बंद करनी है तो उसके लिए बटन भी है जिसकी वजह से चलने लग जाता है और ये वायरलेस है ना तो और भी ज्यादा मजा आएगा, और जिसके नीचे आपको भाई एक दो तीन चार अलग अलग पहिए देखने के लिए मिलते हैं, साथ ही में ये 360 डिग्री घूम सकता है क्योंकि ये देखो इसके अंदर ना भाई मोमेंटम बना पड़ा पूरा लेफ्ट राइट के लिए, यहाँ पर इन्होंने एक मैकेनिज्म लगा रखा है जिसकी वजह से लिटरली काफी ज्यादा तगड़ा हो जाएगा, यानी कि इसको आप अपनी एक ही जगह पर रख के आराम से घुमा भी सकते हो। तो उससे पहले जो है ना एक चीज और देखनी है वो हमारी RC स्मोक कार जिसकी स्पीड वगैरह बहुत तेज होने वाली, साथ ही में इसके पीछे जो आप इंजन देख रहे हो ये एक्चुअल में इसका एक वाटर टैंक है जहां से यहाँ पर एलईडी लाइट जलेगी और यहाँ से इसकी स्टीम निकलेगी, यानी कि पूरा का पूरा धुआं निकलने वाला है और ये जो हेडलाइट है ना ये जलती भी है बहुत तगड़ी। बस इसके अंदर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर जो है ना भाई चार लोग नहीं बैठेंगे, एक ही लोग बैठ सकता है जो कि ड्राइवर चलाएगा और दूसरा उसका साथी बैठ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पे वाटर भी लिखा हुआ है, तो आपको इस वाटर को हटाना है और उसके बाद इसी के बॉक्स में इस तरीके की बॉटल मिलती है, इसको जो है ना सिर्फ एक लाइन तक आपको भरना है और उसके बाद सारा का सारा जो एक लाइन तक पानी भरा होगा वो हम इसके अंदर डाल देंगे जिसके बाद इसको हम दोबारा से लगा देंगे। अब इसके मैजिक देखने से पहले जो है हमें इसको भाई खोलना पड़ेगा ताकि इसकी जो बैटरी है वो हम इसके अंदर लगा सकें और वो लगेंगी इसके अंदर 3AA बैटरी। उसके बाद यहाँ पर जो हमें एक छोटा सा बटन देखने के लिए मिलता है, इसको इस तरफ करते ये गाड़ी ऑन हो जाएगी। अब उसका रिमोट कंट्रोल देखते हैं, तो अब जो है भाई ये रिमोट कंट्रोल तैयार हो चुका है और इसके यहाँ पर जो बटन दे रखा है इसी से धुआं निकलेगा, यही तो मेन चीज थी भाई, ये असली फंक्शन है तो ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये देखो जैसे आप इस बटन को दबाओगे तो इसमें से ना भाई बहुत तगड़ा धुआं निकलता है, ये देखो यार भाई जो इसकी मिस्ट है बहुत ही ज्यादा सुपर है, आप लोग ना स्लो मोशन में देखना और आपको सही में काफी ज्यादा मजा आ जाएगा भाई, क्या धुआं निकला है गोली की तरह। और ये देखो जब आप इसको आगे वाले गियर पे डालते हो तो इसकी जो एलईडी लाइट है वो भी काफी ज्यादा तगड़ी चलती है ताकि आपको अंधेरे में पता रहे ओए भाई इसका धुआं भी निकल रहा है, क्या बात है यार भाई, सही में ऐसा लगने वाला है कि भाई फास्ट एंड फ्यूरियस चल रही है। तो आ जाओ मेरे साथ एक लाइव डेमो पे। ओ माय गॉड यार ये देखो कितना ज्यादा रियल लग रहा है, ये मॉन्स्टर कार जो है भाई साहब बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है और इसके टायर तो ऐसे लग रहे हैं जैसे F1 रेसिंग कार हो। तो भाई एक बार जो है इसको दिन में टेस्ट करने वाले, ये देखो ओ भाई साहब इसकी स्पीड और इसकी हेडलाइट देखी, वो पीछे से देखो यार ऐसा लग रहा है कि कोई एक आग की तरह फेंक रही हो, जैसे आग नहीं फेंकते यार पिक्चरों में हमने देखा फास्ट एंड फ्यूरियस में, सेम वैसे ही ऐसा लग रहा है भाई फ्लेम निकल रही हो
भाई साहब क्या आरसी स्मोक गाड़ी है, मजा आ गया। साउंड वगैरह भी बहुत अच्छा है, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है इसकी। और ये अंधेरे में तो ओए होए कतई बवाल भाई साहब, इतनी तेज निकलती है इसकी लाइट में आपको क्या है बताओ। और पीछे बताओ भाई, दो लाल कलर की एलईडी लाइट जल रही है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आग निकल रही है धुएं की जगह। और भाई रे बनाने वाले ने कतई गजब चीज बना दी, मजा आ गया यार। ये क्या हो गया भाई साहब, मजा आ गया भाई बहुत ही ज्यादा। इसके अंदर से जो धुआं निकल रहा है लाल लाल कलर का, ऐसा लग रहा है कि असली गाड़ी के अंदर कोई आग नहीं लग जाती टायरों में। सेम वाली वाइब आ रही है। और भाई साहब फास्ट एंड फ्यूरियस में सेम इसी तरीके से गाड़ी के अंदर से स्मोक निकलता है। और ये गाड़ी एक जो है काफी तगड़ा भाई वाटर स्प्रे छोड़ रही है। और इसकी जो एलईडी भाई ये अंधेरे में दिखती है जिसकी वजह से ऐसा पता रहता है कि भाई हमारी गाड़ी एक्चुअल में कहां जा रही है। और ये जो इसका रिवर्स गियर ना, ये देखना भाई टायर कैसे पीछे जाता है, माइंड ब्लोइंग भाई। ये सो सुपर सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ है। और ये गाड़ी सचमुच में काफी अमेजिंग है। इस गाड़ी की हेडलाइट्स वाओ, इस गाड़ी का लुक वाओ, इस गाड़ी के भाई स्प्रे वाओ, यानी कि पूरी गाड़ी भाई वाओ वाओ वाओ, इसके टायर की स्पीड वाओ। अगर आपको भी इस तरीके से आरसी स्मोक कार बहुत ज्यादा अच्छी लगती है तो आपको अपना नाम लिखना, उसके आगे वाओ लिखना, और उसके आगे आपको लिखना है आरसी स्मोक कार, ताकि ये वाली स्मोक कार आप लोगों को गिव अवे हो सके जिसके टायर भी पूरे 360 डिग्री तक घूम जाते हैं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो अब जो है भाई इसके अंदर सबसे पहले 3AA बैटरी लगाएंगे, लेकिन इसका स्पेस देख के पता चल रहा है कि भाई 4 लगेंगी। अब जो भाई हमारा रिमोट कंट्रोल भी तैयार है और ये हमारा टैंक भी हो चुका है तैयार। अब इसके अंदर सिर्फ जो है हमें यहाँ पर एक बटन दबाना है, ये वाला। और ये देखो मतलब किस तरीके से भाई इसके अंदर जो साउंड आ रहा है, और इसके साथ ना लाइट्स भी सिंक्रोनाइज में चल रही है। असली मजा जो है ना इसका लाइव में आने वाला, तो आ जाओ मेरे साथ एक लाइव डेमो पे। भाई साहब वॉर छिड़ चुका है। और ये देखो भाई दुर 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 किस तरीके से इसके अंदर गन की आवाज आ रही है, बॉम्ब की आवाज आ रही है, पूरा का पूरा वॉर के लिए तैयार है। ये आगे इसका रिमोट कंट्रोल, ये देखो भाई कितना ज्यादा असली लग रहा है टैंक। ऐसा लग रहा है कि कितना क्या धुआं दौड़ करेगा भाई, आगे पीछे दाएं बाएं गोल चक्कर साइड में हर एक जगह ये जाता है। ओहो भाई 360 डिग्री वाला जो है ना, इसका स्पिन का टेस्ट करके देखो, ये प्रॉपर गोल गोल घूम रहा है। इसको देख के मुझे चक्कर आ जाएंगे। और ये अंधेरे में भी ना इसकी लाइट जलती है, यानी कि अगर ये रात में घो गया तो हम जो है ना इसके रिमोट कंट्रोल से पता लगा लेंगे कि हमारा टैंक कहाँ पर है। ये तो भाई बहुत ही तगड़ी चीज है। और सच में इसका जो कलर है वो इतना ऑसम है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये हुई ना बात भाई, ये सही में अपनी उम्मीदों पे भाई साहब ये खरा उतरा एकदम, जो कि ये काफी ज्यादा सॉलिड है। और पता अगर आप चाहो ना इसको मैनुअली भी भाई चला सकते हो, देखो बिना रिमोट के। और ये पूरा 360 डिग्री घूमता और भाई वाइब्रेट करता है गड़गड़ 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 करके। तो ये जो है भाई टैंक काफी ज्यादा अच्छा लगा, जो एक ही जगह पे खड़े खड़े इस तरीके से सारे दुश्मनों को मार सकता है गोलाई में दर 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 करके। तो इसकी जो भाई हेडलाइट से लेके इसकी साउंड तक और इसके भाई चलने के तरीके से लेके इसकी स्पीड तक सब कुछ काफी ज्यादा डिफरेंट थे। और सही में ये लोग भाई हल्के के ऊपर अटैक करने आए थे, लेकिन हल्के ने इनका भाई इसको उखाड़ के फेंक दिया। तो अगर आपको इस तरीके के आरसी टैंक अच्छे लगते हैं जो कि बिल्कुल वायरलेस होते हैं और काफी ज्यादा वेट में भारी भी होते हैं और इनका डिजाइन वगैरह भी काफी ज्यादा 3D होता है, असली वाले टैंक के ही तरह लगते हैं, तो अगर आपको इस तरीके से आरसी टैंक पसंद है तो लिखना है आपको अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे लिखना है आरसी टैंक, ताकि ये वाला वायरलेस आरसी टैंक आप लोगों को गिव अवे हो सके। लेकिन आपको एक चीज पता है कि इसके अगर कभी आपकी बैटरी खत्म हो जाए तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आप इसको चार्ज कर सकते हो। इसी के बॉक्स में केबल मिलती है और यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर एक चार्जिंग स्लॉट भी है। इस तरीके से आपको इस पिन को इसके अंदर लगाना, ये देखो, और उसके बाद इसको अपने घर के किसी भी चार्जर में लगा देना, यानी कि सेल इसके अंदर ही बंद रह सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप बार बार इसको चार्ज करके 20-20 मिनट तक बड़े आराम से चला सकते हो। वाकई में यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकला ये। तो ये आ गई भाई हमारे हाथ में हमारी हल्क की एक काफी स्पोर्ट्स वाली बाइक, जिसकी स्पीड वगैरह आप देख सकते हो कितनी ज्यादा सॉलिड है भाई। पीछे एक एग्जॉस्ट दे रखा है, यहाँ पर एक सीट भी लगी है जिसके नीचे आपके कैप्सूल सेल लगे होते हैं जो आपकी वॉच में लगते हैं, क्योंकि ये जैसे आप दबाओगे तो ये सेल चलने लग जाता है। और यहाँ से इसकी हेडलाइट भी चलती है, म्यूजिक चलता है, और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद से लेके ब्रेक तक आवाज आती है। और इतना ही नहीं, इसके आगे जो आप देख रहे हो ना, ये इसके भाई साहब डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं इस साइड भी और इस साइड में भी, और पीछे वाले टायर के अंदर भी। ये देखो डिस्क ब्रेक यहाँ पे भी लगा है और यहाँ पर भी लगा हुआ है। और इस गाड़ी के अंदर ये देखो, एक तो डिस्क ब्रेक आपको यहाँ मिलता है और एक यहाँ पर मिलता है, एक यहाँ पे, यानी टोटल इसके अंदर 3 डिस्क ब्रेक है जो असली वाली स्पोर्ट्स बाइक में होते हैं। ये एक डाईकास्ट वाली बाइक है जो मेटल के होते हैं। ये देखो ब्रेक दबाने का भी आपको पूरा फील आने वाला है। और अगर आप हैंडल को इस तरीके से घुमाओगे तो ये नीचे देखो आपकी पूरी बाइक घूमती है यार, मतलब काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और ये इतनी असली है ना कि यहाँ पर आपको किक देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने स्पोर्ट्स बाइक देखी होंगी उनके अंदर किक आती नहीं है आजकल, सब कुछ
कुछ सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। तो इस गाड़ी का एक हम लाइव डेमो लेने वाले, लेकिन भाई इसके मिस्ट्री वाले टायर ये वाले हैं, अगर ये पीछे जाएंगे ना तभी ये गाड़ी आगे जाती है और इन दोनों टायरों को ये नचाती है और ये 360 डिग्री भी गोल गोल घूम जाती है। तो आज मेरे साथ एक लाइव डेमो पे ये आ चुकी है हमारी ब्रांड न्यू निंजा, जिसकी हेडलाइट इतनी कमाल है भाई क्या ही बोले। और ये जो है ना भाई गोल गोल घूमती है इसकी टायर की वजह से, क्योंकि 360 डिग्री स्टंट करने में मदद करती है। और ये जो भाई टायर देख रहे हो आप कैसे गोली की तरह आगे की तरफ आते हैं और ये बार बार भाई राइट लेफ्ट में आराम से मुड़ जाती है। और ना इसको एक बार तोड़ के देखते हैं, ये देखो भाई अगर इसको टक्कर भी मारोगे ना टोकर तब भी ना ये टूटने वाली नहीं है। और ये नीचे रखने के बाद इतनी असली लगती है, ऐसा लगता है भाई कि मतलब क्या चीज़ है, देखो कैसे जाए पड़ी है। और अभी ना एक बार इसको फ्रंट वाला लुक देखो, माय गॉड ऐसा लग रहा है भाई जॉन अब्राहम बैठ के इसको ना धूम वाली बाइक चला रहा हो, मजा आ गया यार देख के, माइंड ब्लोइंग यार ये कितनी ज्यादा कूल है। देखो नीचे वाले टायर अलग चल रहे हैं भाई, आगे पीछे के टायर अलग चलते हैं और इसकी जूम पीप पीप करने वाली जो आदत है भाई ये आपको धूम के जॉन अब्राहम से लेकर ऋतिक रोशन तक की याद दिलाने वाली है। और ये पीछे का टायर भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया, ये देखो इतना ज्यादा ये चौड़ा है ना भाई टायर, मतलब क्या बताया ऐसा लग रहा है पूरी हवा इसके अंदर भरी हुई है। आगे वाला टायर भी काफी ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा चौड़ा, मतलब एकदम असली बाइक वाली फील आती है इसके अंदर। और यहाँ पर भाई बस प्रॉब्लम एक है कि बैठेगा सिर्फ एक ही जना, क्योंकि स्पोर्ट बाइक है ना। और इसकी जो पीपी से लेकर जो इसका हॉर्न है, इसकी स्टार्ट होने की आवाज है, सब कुछ बहुत ही ज्यादा वाव लगती है। तो अगर आपको भाई मेटल की डाईकास्ट वाली बाइक बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है जो रात में भी आप यूज कर सकते हो चला सकते हो, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाव लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है मेटल वाली निंजा बाइक, ताकि ये वाली निंजा आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। ये आ गया भाई हमारा आत्मा, हमारा क्रॉलिंग हल्क। और ये जो है ये एक आर्मी वाला हल्क है जो भाई इस तरीके से अपने पैरों के दम पे चलता है। और ये जो है ना भाई इसके हाथ में AK-47 है, तो दुदू करके ना ये गोलियां भी चलाने वाला है। और इसकी जो आप पैंट वगैरह देखो ना भाई, इसने सब कुछ एकदम कार्गो टाइप का पहन रखा, ताकि बॉम्ब वगैरह सब कुछ छिपा के लेके जा सके। और यहाँ पर दो बैटरी लगेंगी, वो भी डबल ए वाली कुछ इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर हम एक बटन देखने के लिए मिलता है, जैसे इसको ऑन करोगे तो ये जो हल्क है ये भाई ऑटोमेटिक आगे बढ़ने लग जाता है। और ये ना भाई गन भी चलाने वाला है, ये देखो इस तरीके से दूदू करता है। और यहाँ पर ना एक लाल लाइट भी जलने वाले, तो ये मेरे हाथ पे ना थोड़ा सा टकरा, तो आ जाओ इसको एक लाइव डेमो पे। तो युद्ध के मैदान में उतर चुका है हमारा हल्क। और ये देखो यार भाई कैसे चल रहा है ये भाई, इतनी तेज तेज की आवाज आ रही है इसके चलने की। एक बार अभी मैं आप लोगों को ना इसकी आवाज सुनाने वाला हूँ चलने की, लेकिन इससे पहले एक बार इसको रिवर्स करके देखते हैं। ओ वाओ ये देखो रिवर्स गियर में जा रही है सो एलिगेंट यार, कितना प्यारा लग रहा है ये। और भाई साहब इसकी जो आवाज चलने की कितनी बढ़िया आ रही थी भाई, सो क्यूट यार सच में, मेरा ना इस हल्क में दिल आ गया। ओ भाई साहब इसकी जो आवाज है भाई बहुत सॉलिड है। और ये देखो भाई कितनी तेजी में तो ये जाता है, ये देखना मतलब AK-47 इसकी दू करके भाई इसने तो सारे दुश्मनों को पीट दिया। और ये वॉर में जो है भाई फर्स्ट भी आया, ये किसी भी तरफ बड़े आराम से चल लेता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो इसकी कोनी के नीचे भाई डॉट लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ना ये अपने निशाने एकदम अचूक तरीके से मारता है। और भाई इसके पैर की मूवमेंट भी होती है, और ये वाला पैर भी इसका चलता है। सबसे अच्छी चीज इसके अंदर क्या लगी, इसको एक सेकंड बंद करते हैं कि भाई इसका ना आप ये देखो पैर भी इसका मूव कर सकते हो, यानी कि ये पूरी का पूरा हल्क जो भाई मूवेबल है। और ये पूरी अपनी कमर वगैरह चला सकता है, और इसकी बॉडी से तो आपको लगी गया होगा कि ये एक 3D हल्क है। और ये भाई काफी बॉडी है इसकी, मतलब बहुत तगड़ा वाला। और जिसकी ना गन भी आप देख सकते हो कितनी बड़ी, तो इसने गन ले रखी एकदम बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, दु करता हूं भाई ये तो कैमरे के अंदर ही घुस जाएगा। तो अगर आपको इस तरीके के हल्क भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं जो क्रॉलिंग हल्क होते हैं, और ये काफी बड़े होते हैं, देखो पूरा आपका हाथ ढक जाएगा, तो आपको अपना नाम लिखना, उसके आगे वाव लिख देना, और उसके आगे आप लोगों को लिखना है हल्क क्रॉलिंग वाला, ताकि ये वाला भाई आर्मी वाला हल्क आप लोगों को गिव अवे हो सके। इसका नाम है आर्मी वाला हल्क, तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। ये आ गया भाई हमारे हाथ में एक हमारा फार्मर ट्रैक्टर, जिसके ऊपर यहाँ पर जीने यहाँ से चढ़ के यहाँ बैठ सकते हो, यहाँ से धुआं निकलने वाला है। और इसका ये वाला सस्पेंशन अलग चलता है, ये वाले सस्पेंशन अलग चलते हैं, ये सस्पेंशन अलग चलेगा और ये अलग चलेगा। तो भाई आ जाओ एक लाइव डेमो पे। एक ट्रक जो काफी ज्यादा तगड़ा, और इसको देखो भाई क्या इसको लिखाते हुए जा रहा है बहुत ही ज्यादा स्पीड तरीके से, 360 डिग्री स्टंट करने में भी ये पूरे तरीके से कामयाब रहा हमारा देसी ट्रक। और इसको मैं दीवार में मार के स्टंट कर रहा है, ओ यार ये सीधी नहीं हो रही है, ओ वाह यार भाई साहब ये देख रहे हो इसका सस्पेंशन भाई, मतलब कितने अलग तरीके से चल रहे हैं। और ये कितना ज्यादा कूल लग रहा है, ब्लैक एंड रेड कलर का इसका टायर का कॉम्बिनेशन, और लगेगा भी क्यों नहीं भाई, ये जब चलती है ना तो ऐसा लगता है कि स्टंट करके दिखा रही है, ऐसे खड़ी हो जाती है, हिलने लगती है गोल 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 करके 360 डिग्री बड़े आराम से घूम जाती है। और ये जो ट्रैक्टर है ये एक्चुअल में इसके आगे भाई आप देख सकते हो बुलडोजर वाला ना एक बहुत ही हैवी मटेरियल लगा हुआ है, जिससे कि आप भाई मिट्टी वगैरह बड़े आराम से खोद सकते हो। और ये 3 स्टेप में जाता है, देखो 1 और ये 2, मतलब पूरा अंदर तक चला जाएगा, और जब आपको यूज करना हो तो बाहर निकाल लो धीरे धीरे, और इसको इस तरीके से ऊपर भी कर सकते हो। तो बिल्कुल
बिल्कुल असली वाले ट्रैक्टर की तरह इसके अंदर फील आती है। और यहाँ पर आप देखो भाई छोटे मोटे बटन वाले सिस्टम भी दे रखे और एक छोटा सा क्यूट सा स्टेयरिंग व्हील भी है भाई, मतलब आप इसको बड़े आराम से चला सकते हो। और देखो ये इसी की वजह से ना टूटा नहीं था, ये जितनी बार भी इसकी टक्कर लगी ना दीवार से तो भाई ये जो है ना ये इसके सस्पेंशन जो ये ब्रेक का काम करते हैं, इस गाड़ी को अंदर की तरफ धकेल लेते हैं ताकि इसकी बॉडी टूटे ना, यही तो वजह है कि इसकी वजह से काफी ज्यादा बढ़िया हो जाता है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। तो अगर आपको भी इस तरीके के फार्मर ट्रैक्टर अच्छे लगते हैं जो भाई डांसिंग ट्रैक्टर बन जाते हैं इस तरीके से खड़े भी हो जाते हैं असली वाले ट्रैक्टर की तरह, तो आपको अपना नाम लिखना, उसके आगे वाल लिखना और उसके आगे लिखना है फार्मर ट्रैक्टर, ताकि ये वाला ट्रैक्टर आप लोगों को गिव अवे हो सके जिसके चारों सस्पेंशन अलग चलते हैं क्योंकि ये 4x4 है जैसे कि थार होती है। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। ये ले लिया भाई हमने अपना मिलिट्री वाला टैंक जिसके ऊपर वॉर भी लिखा हुआ है, और आप सोच रहे हो कि ये इतना गंदा क्यों गया। एक्चुअल में ये जो है भाई अभी इसका एक लाइव डेमो हुआ था, तो वो जो है लाइव डेमो हम आपको दिखाने वाले, लेकिन उससे पहले यहां आप देख सकते हो इधर भाई दो रॉकेट लॉन्चर लगा रखे हैं और इधर एक मिसाइल लॉन्चर भी दे रखा है, मतलब इस वाले टैंक के अंदर सारी चीजें भाई शामिल है। बस इसके अंदर ट्विस्ट क्या है कि ये कोई रिमोट कंट्रोल वाला नहीं है, ये इलेक्ट्रिक वाला है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ डबल ए बैटरी लगती है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आपको भाई ऑन करने के लिए बटन मिल जाता है। तो इसके टायर ना ऑटोमेटिक चलते हैं, और भाई इसके टायर की खास बात क्या होने वाली है, चाहे रेता हो चाहे बजरी हो चाहे रोड़ी हो चाहे मट्टी हो, ये किसी भी जगह पे बड़े आराम से चल लेता, और भाई ये बिल्कुल भी नहीं अटकता, इसके तार भी आपको दिख रहे होंगे। तो आ जाओ मेरे साथ एक लाइव वाले डेमो पे। ये आ चुका हमारा भाई साहब टम्बलिंग टैंक जो कि मिलिट्री वॉर के लिए जा रहा, और ये देखो भाई ये पता किसी भी जगह बड़ी आराम से चल लेता, चाहे कंकड़ हो चाहे पत्थर हो चाहे गड्ढा हो चाहे जितनी मर्जी मिट्टी क्यों ना भर रही हो, वहां पर भी बजरी वगैरह में भी चल लेता। ये देखो भाई पीछे इसके टायर के निशान देख रहे हो, ओए ओए क्या गजब लग रहे हैं यार, वो गड्ढे में देखो क्या से गया ये एकदम ढलान से, वाह भाई साहब सच में काफी तगड़ी और बहुत ज्यादा बवाल वाली चीज है, ऐसा लग रहा है एक सही में दुश्मनों को मारने के लिए निकला हुआ है टैंक। और आगे जो मिसाइल है ऐसा दिख रहा है कि भाई कहीं मिसाइल सच में ना निकल ले, इतने उबड़ खाबड़ वाले रास्ते में भी चल लेती है, मैं क्या बताऊं भाई इसका जो टायर है ना भाई फैन हो गया मैं उसका, लेकिन ये जो टैंक है वाकई में बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, कतई गजब। क्यों आ गया ना मजा, कहा था ना कि ये जो भाई किसी भी जगह पे बड़े आराम से चल लेता है, इसके जो टायर की जो स्पीड वगैरह काफी ज्यादा तगड़ी है भाई, ये मट्टी में हो चाहे ढलान हो चाहे उबड़ खाबड़ रास्ता क्यों ना हो ये किसी भी जगह बहुत आराम से चल लेता, तो इसको बंद करते हैं कितनी ज्यादा बड़ी बात है, मतलब भाई ये साइज ना उस वाले टैंक से पता कितना छोटा है, लेकिन फिर भी जो टायर इसके पास है ना वो टायर इन गाड़ियों में किसी के पास भी नहीं है, इसी टायर की वजह से जो भाई ये किसी भी जगह पे बड़े आराम से चल लेता है, और ये किसी भी जगह रुकता नहीं है चाहे खड्डा क्यों ना आ जाए ये उसके अंदर से ऐसे करके निकल जाएगा, और ये इस तरीके से चढ़ भी जाता है। तो इसी वजह से ये वाला मिलिट्री टैंक हमको काफी ज्यादा तगड़ा लगा। अगर आपको भाई इस तरीके के मिलिट्री टैंक बहुत ज्यादा अच्छे लगते जो वॉर में यूज होते, तो आपको अपना नाम लिखना है, उसके आगे वॉर लिखना है और उसके आगे आपको लिखना है मिलिट्री टैंक, ताकि ये वाला टम्बलिंग टैंक आप लोगों को गिव अवे हो सके। अब इसके बाद देखने वाले मेटल वाला स्पिनर, इसके अंदर जो है 16 स्टील के कंचे लगे, छोटे वाले बैरिंग जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी टोटल 8 स्टील के कंचे ऊपर लगे मेटल के, और इसकी स्पीड बहुत तेज होने वाली है, और ये भारी भी है क्योंकि मेटल का जो है इसकी आवाज से आपको पता चल गया हो। तो 1, 2, 3 एंड गो। तो यार ये देखो एक तो जो इसकी शाइन है यही काफी ज्यादा सॉलिड है, साथ में ये चलता हुआ भी बहुत ही ज्यादा सुपर लग रहा है, इसकी स्पीड वाकई में काफी ज्यादा तेज है, इसीलिए जो है ना इसकी शाइन वगैरह अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा सॉलिड चमक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसको अपनी एक फिंगर पे काफी देर तक चला सकते हो भाई मेरे से तो ऐसा लग रहा है गिर जाएगा, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख दे रहा है, उसके आगे आपको लिखना है 30 सेकंड चैलेंज एक्सेप्टेड, अगर आप 30 सेकंड तक एक फिंगर पे इसको चला सकते हो तो अपने नाम के आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है मेटल स्पिनर चैलेंज एक्सेप्टेड, ताकि ये वाला स्पिनर आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो इसको रखते भाई इसकी जगह पे। तो ये तो इसी तरीके से चलता रहेगा। तो हम देखने वाले इनक्रेडिबल वाली हल्क की वॉच, ये आप देख सकते हो यहाँ पे हल्क लिखा हुआ होता है, और इसका स्ट्रैप इतना तगड़ा है ना कि ये टूटता उड़ता नहीं है, और यहाँ पर आपको कांच वाली पूरी बॉडी देखने के लिए मिलती है जिसकी वजह से यहाँ से एलईडी लाइट्स और म्यूजिक निकलता है, और पीछे से भाई ये प्रॉपर वाटरप्रूफ है, और इसका स्ट्रैप देखो यहाँ पर भी इन लोगों ने भाई कांच के बीच में इसको फंसा रखा है, इसी की वजह से तो ये काफी ज्यादा सुंदर लगता है। और यहाँ पर 3D एक लीगो वाले हल्क की इमेज बनी है, और आगे तो भाई एकदम 3D फेस बना हुआ है, इसीलिए तो इसको 3D वॉच भी कहते हैं। क्या ही तो साउंड आया भाई फिलिप का साउंड जो है ना उसके अपने ही मजे हैं, देखो इसमें आयरन मैन कैप्टन अमेरिका और हल्क भी है। I am Hulk smash। तो भाई ये तो स्मैश कर देगा, यहाँ से आप अपना टाइम वगैरह सेट कर सकते हो, अलार्म वगैरह तक इसके अंदर सेट कर सकते हो, और जैसे ये बटन दबाया टिंग निंग 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 वाला म्यूजिक बजता है, और ये आपके हाथ पे काफी ज्यादा कूल लगने वाले। तो भाई आ जाओ एक लाइव डेमो पे। वाह यार इसका जो म्यूजिक है भाई कितना ही ज्यादा प्यारा है, और इसके अंदर भाई साहब एकदम इंद्रधनुष वाली लाइटें निकल रही है, रेड कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, इतनी अलग तरीके की लाइटें जल रही है, और ये देखो भाई हाथ कितना अच्छा लग रहा है
भाई ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ना हल्क की जो चेस्ट है वहां से लाइट आ रही है, लेकिन ये लाइट आ रही है इस कांच के अंदर से, जिसकी वजह से इस पूरी घड़ी का जो लुक है वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर इसको आप बंद भी कर दोगे ना, उसके बावजूद भी भाई साहब इसके अंदर लाइट आप देख सकते हो कितनी तगड़ी जलती है। और इसको उठाओगे तो भाई इसके अंदर टाइम भी दिखता है, यानी कि ये आपको रात में भी टाइम दिखा देगी बिल्कुल अंधेरे में। यार क्या गजब चीज है यार ये। तो चलो यार लाइट्स को करते हैं ऑन। माइंड ब्लोइंग यार, ये काफी ज्यादा सुंदर है और इसके अंदर की एलईडी लाइट्स इतनी तगड़ी जलती है ना कि भाई आपको ऐसा लगेगा कि डिस्को वाली पार्टी हो जाए, बिच्चिक बिच्चिक वाली। और साथ ही में जब इसका म्यूजिक बजता है तो वो आपको पॉपकॉर्न वाले भैया की याद दिलाकर ही रहेगा। और इसका जो साउंड है भाई फ्लिप फ्लॉप का, वो एकदम अपना अलग है यार। लेकिन ये वॉच जो है ना मेरे हाथ से ज्यादा आपके हाथ पे अच्छी लगती है। और जब किसी पार्टी वगैरह में आप जाओगे इस तरीके से हाथ हिलाते हो तो सब पूछने वाले, ओ भाई साहब ये इतना कूल कैसे लग रहे हो, तो बता देना कि मैं अलका का फैन हूं और ये जो फनवास भैया ने हमें गिव अवे किया था। तो अगर आपको भी इस तरीके की भाई 3D वॉच अच्छी लगती है जो पहनने में भी बहुत अच्छी, और ये वाटरप्रूफ भी है, म्यूजिक के साथ आते हैं, एलईडी लाइट जलती है वो अलग, और कांच का लुक आता है वो अलग, तो आपको अपना नाम लिखना, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे पूछना हल्क वाली 3D वॉच, ताकि ये वाली वॉच आपको गिव अवे हो सके। और अगर आपको स्ट्रैप यानी कि पट्टे की जगह पसंद है चैन वाली, तो एक सेकंड वेट करो, वो भी है आज। तो ये ले लिया हमने अपने हाथ में ये नरास्कल धाएं 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 वाली एक हल्क की गन। और ये आपको पता है ये डेजर्ट ईगल वाले बनाते हैं, जिसके आगे प्रोजेक्टर लाइट लगी है ताकि यहाँ से एलईडी लाइट्स निकल सके। और ये जो बुलेट है ना भाई, ये देखो जब ये ऐसे पीछे जाती है तो ये ऑटोमेटिक बुलेट ना पीछे की तरफ निकल लेती है। और ये डेजर्ट ईगल वाले बनाते हैं जिसके अंदर से लाइट्स भी निकलती है, और इसका लुक भी बहुत अच्छा आता पीछे की तरफ से, है ना कितनी ज्यादा कूल। और इस तरीके से आपको अपने पास रखना है, और जब आपका मन कर इसको छोड़ने का तो इस तरीके से इसको छोड़ देना, और ये काफी ज्यादा कूल भी लगने लगती है। तो इसके अंदर आपकी कुछ बैटरीज भी लगती हैं, तो इस तरीके से जो है ना आपको इसके अंदर टोटल भाई 3 बैटरी लगानी है, जिससे कि आपको ऐसा फील हो कि आपने इसके अंदर 3 गोलियां लगाई है। जिसके बाद ये जो गन है ये प्रॉपर तैयार है, और अब ये देखो लोड करने में भी इसको कितना ही ज्यादा मजा आता है। तो भाई इसका तो एक लाइव डेमो बनता है, तो आ जाओ मेरे साथ एक लाइव डेमो पे। एक ऐसी डेजर्ट ईगल की गन जो कि भाई अंधेरे में काफी ज्यादा तगड़ी लगने वाली है। ये एक मिलिट्री की इलेक्ट्रिक गन है जिसकी प्रोजेक्टर लाइट निकलती है भाई बहुत तगड़ी, और इसकी गोली को तो भाई स्लो मोशन में देखेंगे। ओए यार ये आयरन मैन का हार्ट नहीं लग रहा, एकदम आयरन मैन का दिल लग रहा है। ये भाई हमारा टारगेट है आर्मी वाला, और ये गोली देखो भाई कितनी स्पीड में भाग रही है। ओए ओए भाई क्या ही तो लाइट है इसकी, रेड कलर पिंक कलर ब्लू कलर, ओ माय गॉड ये देखो धीरे में स्लो मोशन में तो बहुत ही प्यारी लग रही है। माइंड ब्लोइंग यार ये काफी ज्यादा सुपर है। और यहाँ पे जो एलईडी लाइट्स निकल रही है रेड कलर ब्लू कलर, मतलब इतनी तेज निकलती है, और भाई ये गोली ना बट 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 करती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा मजा आता था भाई सही में। ये नरास कला माइंडेड वाली गन है ये। ये अभी दोबारा से चल पड़ी थी यार। तो ये एक काफी तगड़ी वाली गन है, और ये डेजर्ट ईगल की तरफ से आती है, जिसके अंदर आपको आपकी बंदूक की गोली जो है पीछे जाती हुई भी दिखती है यार सही में। सो एलिगेंट है यार ये तो गन। तो अगर आपको भी इस तरीके की आर्मी वाली गन बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो आपको अपना नाम लिखना, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है डेजर्ट ईगल वाली गन, ताकि ये वाली गन आप लोगों को गिव अवे हो सके, जिसकी प्रोजेक्टर से भाई लाइट निकलते हैं। क्या बात है यार, मजे आ गए। और अब इसके बाद बारी आने वाली है एक ऐसे ओपनर की भाई, जो कि आता है एक स्प्राइट वाले लुक में, 7 अप वाले लुक में, और इसके अंदर भाई पानी भरा हुआ है, लेकिन इसको आपको तोड़ना नहीं है, नहीं तो ये भाई पूरी की पूरी बोतल खराब हो जाएगी। ये एक्चुअल में एक कोल्ड ड्रिंक ओपनर है, जो लोग भाई कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज्यादा पीते हैं जैसे कि पेप्सी वगैरह थम्सअप वगैरह, तो ये उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है कि इस तरीके से ढक्कन में लाके क्रैक करके आप खोल सकते हो और अपनी कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हो। तो अगर आपको ये भी पसंद है तो अपने नाम के आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है स्प्राइट वाला ओपनर, ताकि वो कोल्ड ड्रिंक वाला ओपनर आपको गिव अवे हो सके, जिसके पीछे आपको अपने फिंगर रेस्ट करने के लिए देखो स्पेस अलग से बना रखा है, ताकि आपकी जो है ना उंगलियां दर्द ना हो। यहाँ पर इसके बटन दे रखे हैं, तो 5 सेकंड चैलेंज होने वाला शुरू। तो इसके अंदर एक है तो भाई हम उसको माइनस कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ओहो भाई साहब, तो इसके अंदर एकता तो निकाल दो। अबे यार ये क्या हो गया, ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में यहाँ पर हम भाई साहब चादर डाल ही नहीं पाए। तो इसमें से एक माइनस करेंगे तो सिर्फ हमारे पास 2 बचे, तो यानी कि इस वाली एवेंजर्स वाली गेम में हमको मिले हैं सिर्फ 2 ही छल्ले। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये वाली वाटर गेम, जिसके अंदर अगर आपका कभी पानी कम हो जाए या बुलबुले कम बने, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक रबड़ मिलती है जिसको निकाल के आप इंजेक्शन से पानी भर सकते हो। और इसकी जो बॉडी है ये देखो, ये भी काफी ज्यादा पक्की है, और यहाँ पर आप इसको एक छल्ले के लिए चैन के लिए जगह मिलते हैं, जिससे कि आप इसको अपना कीचेन बना सकते हो। और ये एक टीवी के डिजाइन में आता, जहां पर स्पाइडरमैन से लेके एवेंजर का लोगो, कैप्टन अमेरिका से लेके तक देखने के लिए आपको मिलने वाला। तो ये काफी ज्यादा सॉलिड है, बस आपको अपना नाम वाव और चैलेंज एक्सेप्टेड लिखना, और चैलेंज ये है कि भाई 2 से ज्यादा डालने, यानी कि टोटल आपको 3 या 4 छल्ले डालने होंगे ताकि ये आपको गिव अवे हो सके। तो उसको रखते हैं इसकी जगह पे। और ये वो चैन वाली वॉच जिसके ऊपर आप देख सकते हो भाई पर्पल कलर, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर भी इसके अंदर है। अगर जिन लोगों को भाई पता है ना कि पर्पल कलर किस चीज का है, देखो ग्रीन तो आप बता दो, ग्रीन हल्का कलर है, लेकिन जिस किसी को पर्पल कलर के बारे में बताया ना, तो भाई अपना नाम लिखना, वाव लिखना, और बता देना कि पर्पल कलर किस लिए है, ताकि ये वाली चैन वाली वॉच उसको गिव अवे हो सके, जिसके अंदर साउंड आता है इस डायल को घुमाने पे, है ना कितना प्यारा।
भाई सही में बहुत ही ज्यादा मजेदार है। और ये भी एक वाटरप्रूफ है जिसका लॉक ना बहुत अच्छा है यार। ये देखो यहाँ से समझा देते हैं, तो इस तरीके से लॉक हो जाती है जिसके बाद ये गिरने वाली नहीं है। और साथ ही में जब आपको इसको ओपन करना होगा तो इस चैन वाली वॉच को छो के भाई बिल्कुल रोलेक्स की तरह दिख रही है। क्या बात है यार सही में, इसका तो दिल आ जाएगा इसको देख के। ये देखो इस तरीके से जो है ना आप इसको लॉक को खोल भी सकते हो बड़े आराम से। और जो लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि पर्पल किस चीज का है, तो जिन लोगों ने आंसर लिख दिया तो ये उनको तो मिलने वाली है। साथ ही में जिन लोगों को नहीं पता तो उनको बता देते हैं कि अगर आपको कभी भी पर्पल या ब्लू कलर दिखे तो समझ जाना कि ये है भाई उसके निक्कर का कलर। तो ये जो है ये है एक की चैन, लेकिन इसके अंदर भी एक ट्विस्ट है कि ये जो हल्का आप देख रहे हो ये एक्चुअल में एक रबड़ का, यानी कि ये एक इरेजर है जिससे आप अपनी स्पेलिंग वगैरह बड़े आराम से मिटा सकते हो अगर कोई मिस्टेक हो जाए। तो अगर आपको भी इस तरीके से इरेजर की चैन पसंद है तो अपना नाम लिखना, उसके वॉल लिखना, उसके आप लिखना इरेजर की चैन, ताकि ये और ये दोनों चीजें आप लोगों को गिव अवे हो सके। दो इरेजर वाली की चैन और आ गई है। ये भाई स्केलेटन हल्क, यहाँ से ये हड्डी का ढांचा दिखता है और इधर की तरफ से देखो तो इन्हें चड्डी पहन रखी हल्क ने, और ये काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। ये देखो कैसे गुस्से में है, और ये पीछे से बिल्कुल एक इरेजर है इससे भी आप बड़े आराम से इरेज कर सकते हो। और ये तो मुझे काफी पसंद है क्योंकि जो इसका फेस है ना ये आप देखो ये बिल्कुल घड़ी की तरह है इसका, तो ये एक 3D फेस है और जो काफी ज्यादा बढ़िया। और ये काफी बढ़िया क्वालिटी की इरेजर है जिससे आप बड़े आराम से भाई कुछ भी अपनी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक मिटा सकते हो। इसको आप स्कूल का चाबी का छल्ला बना लेना, इसको साइकिल की चाबी का छल्ला, और जो तीसरा वाला था उसको आप अपनी बाइक की चाबी का छल्ला बना लेना। तो ये इस तरीके से भाई पैरों से ना आपको मार भी सकता है। तो अगर आपको इरेजर किचन ज्यादा अच्छे लगते तो अपने नाम के आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है 3 इरेजर किचन, ताकि ये और वो वाला तीनों के तीनों इरेजर किचन आप लोगों को गिव अवे हो सके। और अगर नॉर्मल किचन पसंद है तो ये भाई एक लेजर लाइट वाला, जिसकी लेजर लाइट आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा ही ब्राइट है भाई, मतलब कि ना सही में ये लेंस वगैरह को खराब कर सकती है। और अच्छी चीज पता क्या है कि जैसे हमने इसके अंदर ये रोज चलाया ठीक है, फिर हमने ये वाली लाइट जलाई और एक बार अगर और दबाओगे तो डीजे राजे वाली आप इसके अंदर लाइट जला सकते हो। और ये देखो एक बार इसके अंदर जो है ना, ये देखो यहाँ पर जो अलग अलग से डॉट दे रखे हैं जिसमें से भाई लेजर लाइट निकलती है, देखो है ना यार कितना इंटरेस्टिंग फीचर, मतलब एक साथ आप इसके अंदर दो लाइट के मजे ले सकते हो यार। बट इसके अंदर एक चीज क्या है कि ये जो फ्लावर पैटर्न है इसके फंक्शन वगैरह तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो ये काफी ज्यादा हल्की है, ये कोई मेटल की नहीं है, ये सिर्फ एक एल्यूमिनियम बॉडी के साथ आती है जिसके पीछे आपको जो ये लॉक है ये भी आपको प्लास्टिक का ही देखने के लिए मिलता है बाकी जो है। लेकिन अगर बात करें इसके फंक्शन की तो फंक्शन काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो अगर आपको भी इस तरीके से भाई किचन वाले लेजर लाइट अच्छे लगते तो अपने नाम के वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना 2-in-1 वाली लेजर लाइट, ताकि ये वाली फ्लावर वाली लेजर लाइट आप लोगों को गिव अवे हो सके। ये आ गया हमारे हाथ में हमारा कॉप्टर यानी कि हेलीकॉप्टर, और आगे क्यूट सा पायलट बैठा आर्मी वाला, और इसका मॉडल नंबर हेलीकॉप्टर का 8803, जिसके व्हील वगैरह आप देख सकते हो और यहाँ पर भी कॉप्टर लिखा हुआ है। और ये भाई बहुत ही तगड़ा पायलट है जिसके पास ये छोटा वाला व्हील भी है, यानी कि टोटल 3 पहिए हैं इसके अंदर, ताकि ऐसे लैंड होगा तो ये बिल्कुल आराम से आके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकेगा। तो भाई इसका तो एक लाइव डेमो बनता है, तो आ जाओ इसके एक लाइव वाले डेमो पे। मिलिट्री वाला हमारा भाई हेलीकॉप्टर आ गया, और अगर आप इसको सीधा फेंकते तो देखो इस तरीके से जाता है, सीधा ड्राइव करता हुआ भाई साफ, और ये आड़ा टेढ़ा भी घूमने वाला है। अब आने वाले असली वजह, क्योंकि भाई अब होगा स्टंट। तो ये देखो भाई साहब ये 360 डिग्री स्टंट करके दिखाने वाला, ये देखो कैसे ये तो मतलब दीवार से भी टकरा जाएगा तिरछा चला जाएगा, और ये गोल गोल भी घूम लेता दीवार से भी टकराएगा तब भी सीधा खड़ा होता है। तो ये ओ भाई ये क्या हो रहा है ये भाई तो देख रहे हो, मतलब जैसे मर्जी गोल गोल घुमा लो अगर दीवार पे भी टकरा दो तो ना तो टूटता ना ये रुकता, माइंड ब्लोइंग भाई साहब ये क्या हो गया। ये देखो भाई ये कैसे करके ये अपने हेलीकॉप्टर को चला रहा है, रुक जा भाई यार ये पायलट तो भाई बिल्कुल ही पागल हो गया भाई, ये सोच रहा है कि आज तो भाई जितने भी दुश्मन है उनके घर पे जाके उनकी पिटाई करनी है, उनकी पिट्टी लगा के आएगा। और भाई वाकई में यार ये जो इसके हेलीकॉप्टर का ब्लेड है ये काफी ज्यादा बढ़िया है, ये इतनी तेज जा रहे हैं कि भाई टी शर्ट हिल रही है, गालों तक आपकी हवा आ जाएगी। साथ ही में भाई पायलट को सल्यूट है, तो ये काफी ज्यादा और एक क्यूट कुछ कुछ वाला पायलट निकला। और ये जो भाई हेलीकॉप्टर है ये भी बहुत सॉलिड है, दिखने में भले प्लास्टिक है लेकिन बहुत ही ज्यादा मजबूत है भाई, इसको दीवारों में टक्कर वक्कर मारी ना तो इसका कांच टूटा ना ये हेलीकॉप्टर टूटा, और ये खड़ा होकर डांस करके दिखाता है ओए ओए सोने में सुहागा, और भाई तिरछा भी चल लेता है जिसकी वजह से मेरे को काफी ज्यादा अमेजिंग लगा। अगर आपको ऐसे 360 डिग्री गोल घूमने वाले स्टंट करके दिखाने वाले हेलीकॉप्टर पसंद है वो भी पायलट के साथ जो खुद भी चलाता है तो आपको लिखना वाओ, उसके आगे अपना नाम लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है पायलट वाला हेलीकॉप्टर, ताकि ये वाला हेलीकॉप्टर आप लोगों को गिव अवे हो सके। ये आगे भाई हमारे हाथ में एक ऐसा योयो जो भाई मेटल का तो नहीं है, लेकिन इसकी क्या खास बात है कि ये जो चश्मा बना हुआ और ये जो स्माइल है इसके अंदर LED लाइट जलती है। यहाँ पर एक रोप है उसको अपनी फिंगर में फंसा के इस तरीके से नीचे करना है, उसके बाद ऊपर करना है, तो ये जो भाई ये ऊपर नीचे जाता है। और ये जो आप देख रहे हो ना टायर वाला लुक जो इसका, एक्चुअल में यहाँ पर LED लाइट जनरेट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखो साइड में दिख रहा है ना ऑरेंज ऑरेंज के पास वो जो बैरिंग लगे हुए हैं
यहाँ पर उसकी बैटरी लगी हुई है छोटे छोटे, ये देखो दिख रहा है ना, ये जो गोल गोल है यहाँ पर छोटी सी बैटरी लगी हुई है जिसकी वजह से इसके अंदर एलईडी लाइट जलती है और रात में ऐसा लगता है कि भाई किसी ने टायर फेंक दिया ग्रीन कलर का, इतनी सॉलिड इसके अंदर लाइट जलने वाली। तो अगर आपको यो पसंद है प्लास्टिक वाले जिसके अंदर एलईडी लाइट जलती है तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉलिक देना और उसके आगे आप लोगों को लिखना है प्लास्टिक वाला यो, ताकि ये वाला यो आप लोगों को गिव अवे हो सके। और अगर आपका भी हल्के की तरह ग्रीन कलर बहुत ज्यादा फेवरेट है तो ये डोम्स की तरफ से आने वाला फुटबॉल वाला शार्पनर, जिसको आप भाई दबा के अपनी पेंसिल छील सकते पूरा दिन, और उसके बाद इस तरीके से साउंड के मजे लेके आप अपनी पूरा का पूरा जिसके अंदर जो छिलका होगा वो सब फेंक सकते हो और इस तरीके से इसको दोबारा से बंद भी कर सकते हो। तो ये अगर आपको फुटबॉल के डिजाइन वाला शार्पनर पसंद है ग्रीन कलर वाला, तो अपने नाम के आगे वॉल लिख देना और उसके आगे आपको लिखना हल्क वाला शार्पनर, ताकि ये वाला शार्पनर आपको गिव अवे हो सके। और अगर आपको एक ऐसा एक्शन फिगर पसंद है जिसके की भाई पैर तक चलते हैं, उसका घुटना अलग चलता है, उसका हाथ अलग चलता है, उसकी गर्दन अलग घूमती है और उसके सीने में भाई लाइट भी जलती है, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना और उसके आगे आपको लिखना है हल्क वाला एक्शन फिगर, ताकि ये वाला हल्क आप लोगों को गिव अवे हो सके, जो काफी ज्यादा बड़ा भी और भाई बॉडी वाला भी है। तो इसको रखता है इसकी जगह पे। तो ये आ गया भाई हमारे हाथ में एक 3x3 वाला क्यूब, जिसकी क्वालिटी देखो कितनी ज्यादा प्यारी है। ये एक मैट फिनिश के साथ आता है जिसकी अंदर अलग अलग तरीके के आपको कलर देखने के लिए मिलते हैं, और अगर इसको आपको ऐसा लगता है कि इसको अनसॉल्व करके वापस से आप इसको बना सकते हो वो भी मात्र सिर्फ इसको 20 सेकंड के अंदर, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है रूबी क्यूब चैलेंज एक्सेप्टेड 3x3, ताकि ये 3x3 वाला क्यूब आप लोगों को गिव अवे हो सके। और ये काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का भी है, तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। ये आ गई हमारे हाथ में एक ऐसी ग्लिटर वाली स्लाइम जिसके अंदर के लिए बहुत सारी है, साथ ही में ये कीवी फ्रूट का है, तो इसकी फ्रेग्रेंस भी कमाल है, माइंड ब्लोइंग यार, कितना जेली की तरह दिख रहा है। और भाई इसकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो ये कि ये अगर आपके भाई पैंट पे गिर जाए या आपकी शर्ट पे गिर जाए या अगर आप भाई ड्राइंग वगैरह बना रहे हो तो ये जो जेली वाली स्लाइम है ना काफी तगड़ी होती है, तो ये ना तो चिपकेगी क्योंकि इसके अंदर कोई गोंद वगैरह नहीं होता, और साथ ही में इसके अंदर चमकीली देखने के लिए बहुत सारी मिलती है। देखो ये इसके अंदर ग्लिटर जो नीचे बैठी हुई है बहुत सारी, ऐसा लग रहा है समुद्र के अंदर आ गए, और ये वाकई में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आती है, तो हमें तो स्लाइम के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको भी स्लाइम के साथ खेलना अच्छा लगता है और फ्रेग्रेंस वाली स्लाइम अच्छी लगती है, ग्लिटर वाली स्लाइम अच्छी लगती है, जो कि आप खेलने का दोबारा बॉटल में रख सकते हो ताकि आपके हाथ भी गंदे ना हो, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाव लिखना है, उसके आगे आपको लिखना है ग्लिटर वाली कीवी फ्रूट वाली स्लाइम, ताकि ये वाली स्लाइम आपको गिव अवे हो सके। तो ये ले ले भाई हमने अपने हाथ में एक डाईकास्ट कार्डियो का पूरा कलेक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। इसके अंदर आपको टोटल 1, 2, 3, 4, 5 आर्मी वाली गाड़ियां देखने के लिए मिलने वाली है, जो बहुत ही ज्यादा सुपर होने वाली है। तो भाई शुरू करने वाले हम अपनी सबमरीन से, जो कि टाइटैनिक की याद दिला देगा। ये एक्चुअल में एक पनडुब्बी जिसको हम सबमरीन कहते हैं, और ये भी एक मेटल की डाईकास्ट गाड़ी है जो काफी ज्यादा बढ़िया, और ऊपर देखो इस पे फोर्स भी लिखा हुआ है और साइड में भाई मिलिट्री लिखा हुआ है, क्या बात है। नीचे इसके हॉट व्हील्स वाले टायर है जो अंदर की तरफ दबे हुए हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये पानी के ऊपर आराम से बह सकती है। दूसरी वाली भाई मिलिट्री वाली MUV है, यानी कि ये आर्मी की गाड़ी है जिसके अंदर 4 लोग बैठ सकते हैं, साथ ही में पीछे और भी सारे लोग आ सकते हैं, और जंगल सफारी वगैरह पे बड़े आराम से जा सकते हैं किसी मिशन पे, अगर किसी दुश्मन को ढूंढने के लिए जाना है। और अगर आप भाई जोरासिक पार्क में घूम रहे हो, जंगल में घूम रहे हो, तो उसके लिए एक इस तरीके की 4x4 वाली जिप्सी चाहिए जिसके ऊपर फोर्स लिखा हो, ताकि आपको कोई चलानी ना काट सके। और ये भी एक आर्मी की 4x4 वाली गाड़ी है जिसकी आपको व्हील से ही पता चल रहा हो कि ये कितने ज्यादा हैवी है, और साथ ही में ये भी प्रॉपर मेटल की है, तो इसी वजह से ये थोड़ी सी भारी भी है इन सब गाड़ियों के मुकाबले। चौथी जो गाड़ी है ये काफी ज्यादा क्यूट है, क्योंकि इसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बल्कि टोटल आपको 6 पहिए देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही में ये एक फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी है, जो कि पर्सनली आर्मी वालों के पास अपनी एक अलग से है, ताकि अगर कोई कोई कैंप में दिक्कत हो जाए तो ये वाली गाड़ियां आ सकती है, और ये भी भाई बहुत ही ज्यादा भारी है। और ये जो पांचवी है ये काफी ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि ये जो है ये एक ऊपर से ना पूरा का पूरा इसको घुमा सकती है धु 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 करके, और ये पूरी 360 डिग्री इसको गोल गोल घुमा देती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। और ये यहाँ पर आपको बहुत सारे डिजाइन देखने के लिए मिले होंगे, क्योंकि टैंक के अंदर भाई बॉम्ब वगैरह ये लोग सारी चीजें रख के चलते, और मशीन गन इन्होंने ऊपर लगा रखी है, और देखो दो सीट बना रखी है यहाँ पे बैठ के भाई ये गन चला सकते हैं धु धु करके बड़े आराम से। और इसके टायर भी आपको 4x4 वाले देखने के लिए मिलते हैं, जो भाई बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, जिसके बेस भी आप देख सकते हो कि ये भी काफी ज्यादा सॉलिड है। तो ये पूरा का पूरा 5 गाड़ियों का मेटल का सेट बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। तो अगर आपको भी इस तरीके से भाई मेटल की डाईकास्ट गाड़ी अच्छी लगती है आर्मी वाली, तो अपने नाम के आगे वॉल लिख देना और उसके आगे आपको लिखना है 5 मेटल वाली गाड़ियों का सेट, ताकि ये वाला पूरा का पूरा प्रॉपर सेट आप लोगों को गिव अवे हो सके। अब बारी आती भाई हमारे हल्क वाले मास्क की, तो ये मास्क आप देख सकते हो यहाँ पे भाई टीथ वगैरह बने पड़े, और यहाँ पर पूरी की पूरी स्किन बना रखी है, हेयर बना रखे हैं। ये एक 3D मास्क है जिसको आप पहन सकते हो कुछ इस तरह से, जिसके बाद ना आपको भाई सारी चीजें दिखेंगी, जैसे यहाँ से डायनासोर दिख रहा है, यहाँ से हमारे को जो है क्लाइम वगैरह दिख रही है, कार दिख रही है। तो इस तरीके से इसको लगाना और इसका जो फेस वगैरह जो लुक है वो पूरा का पूरा आपके फेस पे फिट आ जाएगा, जिससे कि आप एकदम हल्क स्मैश लगने वाले। तो अगर आपको भी इस तरीके के भाई 3D मास्क बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, जिनका मेटेरियल काफी ज्यादा हार्ड है,
ये देखो कितना ही ज्यादा तगड़ा, ये टूटने उठने वाला नहीं, क्योंकि ये पन्नी का नहीं है भाई, ये बहुत ही ज्यादा वाले पक्के मेटल का बना है, जो कि पीवीसी मटेरियल होता है, ये उसका बना हुआ है। तो आपको अपने नाम के वॉल लिखना है, उसके आगे आपको लिखना है 3D हल्क मास्क, ताकि ये वाला 3D हल्क मास्क आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो अब बारी आती है उन 15 लोगों को शाउट आउट देने की। तो ये है वो 15 नाम, आर्यन, अंश, धामवल, सरिस, तस्नीम, सलोनी, अंकुर कुंवर, मानव, तनिष्क, जैस, जाकिर, अनिश चौधरी, अमो, एविनुओ फ्रॉम कोहिमा, सारन सरन नामचा, एंड हैप्पी बर्थडे टू यू अवनी शुक्ला, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज इनमें से किसी एक को नहीं, दो को नहीं, बल्कि 3 लोगों को मिलने वाली है एक ऐसी आरसी फरारी कार, जिसके अंदर एलईडी लाइट से लेके भाई म्यूजिक चलता है, और इसके अंदर जो एलईडी लाइट है वो 3D नहीं जलती बल्कि 5D वाली एलईडी लाइट होने वाली है, और ये एक इलेक्ट्रिक गियर कार है जिसके अंदर आपको एक एक गरारियां चलती हुई दिखती है, और इसकी बॉडी भाई साफ प्रॉपर एकदम ट्रांसपेरेंट वाले कांच की बनी हुई है, जिसके अंदर आप एक एक अंजर पंजर चलते हुए देख सकते हो, और इसका जो रिमोट कंट्रोल है वो कुछ इस तरीके का होने वाला है, यानी कि ये जिन भी 3 लोगों को मिलने वाले उनकी काफी ज्यादा बल्ले बल्ले होने वाली है। और अगर आप लोगों को भी इनमें से कुछ पसंद है तो अपने नाम के आगे वो लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना वो वाला आइटम, ताकि वो वाला आइटम आप लोगों को गिव अवे हो सके। और अगर आपको इस सार का सारा अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ हल्क टॉयज का पसंद है तो करें ज्यादा से ज्यादा लाइक, करे इसको अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर, और अगर इस पर भी 2000 से ज्यादा लाइक, 2000 से ज्यादा कमेंट, 2000 से ज्यादा शेयर होते तो ये सार का सारा अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ हल्क टॉयज का कर दिया जाएगा किसी 15 लोगों को शॉर्ट आउट देकर गिव अवे। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब, बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले जितनी भी लेटेस्ट वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।